आज के जमाने में यूट्यूबर्स थोड़े रोस्ट कर रहे हैं टिकटॉकर्स को, इस पर तुमको क्या कहना है भाई? यूट्यूबर्स जो बहुत सारे टिकटॉकर्स को जो रोस्ट कर रहे हैं ना, मतलब वो टिकटॉकर्स को कर रहे हैं जो मतलब कुछ भी नहीं बनाते हैं। अच्छा मुझे बताओ, तो आपको लगता है ये यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक जो रोस्ट कर रहे हैं वो सब नहीं होना चाहिए? हर है ना, नहीं जरा भी नहीं होना चाहिए। और रोस्टिंग होती है ना, तो रोस्टिंग कैसी होती है पता है, मेरी भी हुई थी और मैंने वो मतलब मेरा जो रोस्टिंग मैंने देखा था ना, वो मेरे को देख के ना हंसी आई, मुझे मेरा कंटेंट देख के हंसी आई। दोस्ती कैसी होनी चाहिए रे, अपनी जैसी, मतलब कैसी? कितनी गहरी दोस्ती है इन दोनों की। ये लॉन्डे डिज्नीलैंड में जीते हैं, मतलब एक अगर अपने आप को गोली मारेगा तो दूसरा भी मारेगा, इसे दोस्ती नहीं चूतियापा कहते हैं। अगर इन दोनों को मुंह आता ना तो इनमें से सिर्फ एक ही जाता है कि भाई तेरी तरफ से मैं हो आऊंगा, और फिर गाना बजता है क्यों मेरी दोस्ती की बनाए लो। तो वो रोस्टिंग है मतलब, हाँ यार किसी ने रोस्ट किया है मतलब अच्छा लगता है यार, क्या हमेशा क्या वाह वाह लोग, कभी खुद की बुराई भी सुनो मगर खुद की बुराई भी ऐसी जो हंसी में बदले, तो वो अच्छा लगता है देख के। रोस्टिंग तो ऐसा हो गया है कि मतलब अच्छा नहीं लगता है आज के टाइम में, मतलब रोस्टिंग ऐसा नहीं होना चाहिए। जो गाली गलौज हो रही है और मतलब गाली दिया जा रहा है, लड़कियों को कुछ भी बोला जा रहा है और अलग तरीके से बताया जा रहा है जैसा होना नहीं चाहिए, तो ये चीज गलत है। अब मुझे बताओ, तुम YouTube पे आना चाहते हो, अपना चैनल खोलना चाहते हो कि नहीं खुद का? हाँ हाँ इंशाल्लाह, मेरा मतलब यही रमजान में मैं चैनल खोल लूंगा इंशाल्लाह। कौन से यूट्यूबर्स को तुम थोड़ा फॉलो करते हो? अरे मतलब यूट्यूबर्स में तो बहुत अच्छे अच्छे, जैसे आशीष चंचलानी है और मुनबम है, तो मतलब इनके तो कंटेंट नेक्स्ट लेवल होते हैं, मगर थोड़ा अडल्ट कंटेंट होते हैं, तो और भी बहुत सारे और मतलब इंशाल्लाह मैं भी आऊंगा तो कुछ ना कुछ अलग ही करूंगा। जो एंगेजमेंट का घमंड है ना, एक मस्त फैक्ट बताता हूँ मैं। 13 मार्च को मैंने टिकटॉक ज्वाइन किया, 1.5 महीने में सिर्फ अपने वीडियो के पुराने क्लिप्स पोस्ट किए, 1.5 महीने में 2 मिलियन फॉलोअर्स आए टिकटॉक पे, 2 मिलियन। जो एंगेजमेंट का जो बबल है ना आपका, ये जो घमंड है ना, ये एक दिन फूट जाएगा, क्योंकि अगर हम सब यूट्यूबर्स ने अपना ओरिजिनल कंटेंट पुराना भी टिकटॉक पे पोस्ट करना चालू कर दिया ना रेगुलरली, तो फिर बात हम लोग अभी जस्ट बात कर रहे थे, हम लोग क्लियर कर दे, ये ना हम लोग कोई कम्युनिटी के अगेंस्ट ये वीडियो स्टोरीज नहीं डाल रहे, ये जो भी आज कैरी ने बनाया है, मैं जो बात कर रहा हूँ, दिस इज अगेंस्ट दैट स्टूपिड वीडियो, मैं लाखा मार दूंगा, मैं इधर आऊंगा तो ये कर दूंगा। एक बंदा क्या कह रहा था, भूल गया मैं क्या कह रहा था, भैया जी एंगेजमेंट। हाँ हमारी एंगेजमेंट कुछ ज्यादा है, और क्या था, हाँ अगर हम यूट्यूब पे आ गए तो क्या कर देंगे भैया जी, तहस नहस खत्म। खत्म कर देंगे, कह रहा हूँ उठाओ दुकान, भगलो, किसी को नहीं बताऊंगा, भगलो भगलो। और क्या बोला था, एक और बोला था कुछ, फेस वैल्यू। I'm sorry guys, I'm sorry. अब मजाक नहीं, बहुत सीरियस हो गया, प्लीज अब सीरियस। ठीक है भाई, पर वैसे वो एक और बात कह रहा था, क्या कह रहा था याद नहीं आ रहा। क्रिंज इन 200। सबसे पहले तो सभी भाइयों को और जितनी भी लड़कियां देख रही हैं सबको थैंक यू मेरी तरफ से, 4 लाख सब्सक्राइबर पूरे हो गए हम लोग वाले चैनल पे, जल्दी 1 मिलियन हो जाएंगे, बहुत खुशी मनाऊंगा। और बहुत सारे भाई लोग मेरे को बोलते रहते हैं, भाई तुम रोस्ट किया करो अपनी स्टोरीज में, जैसे ये स्टोरी है तो इसमें कोई बिठा कर रोस्ट कर दूंगा, तो उसी के लिए मैं तुम लोग के लेकर आऊँ दुल्हन। सही सुनो तुमने, दुल्हन ही लेकर आऊँ, तुम एक बार देखो। भाई बकायदा चूड़ा पहन रहा, चूड़ी ना ले रहा है, चूड़ा पहन रहा, जो दुल्हन वुल्हन पहनती है ना अपनी शादी पे, शादी के बाद कई लोग पहनते हैं, लड़कियां पहनती हैं, वो पहन रहा बकायदा। तो मैं उन टिकटॉकर से पूछना चाहूँगा जो कह रहे थे कि तुमने बॉडी शेम करा, तुमने गाड़ी बकी है, बड़े बड़े रोस्टर ऐसा नहीं करते, कैरी मिनाटी की वीडियो आई है तुम्हें देख के पता चली होगी, तुम ऐसा फील हो रहा हो तुमको कि भाई ऐसी डंडी ऊपर से जा रही थी, पकड़ के हमने ना पीछे ले ली, और भाई उस डंडी पर लग रहा था तेल, कैरी मिनाटी ने वीडियो निकाल दी, अब आएगा डीनो जेम्स का गाना, वो भी तुम सुनना, और मेरी भी एक वीडियो आ रही है लाइफ ऑफ अ टिकटॉकर, तुम उसे भी देखना, तो फिर तुम कहो और थी डंडी फिर पीछे। यार एक बात है, मैं सही टाइम का वेट कर रहा था, ऑफेंड मत होना, हो जाना, चलो कोई दिक्कत ना, हो जाना। जो लड़कियां छोटे बच्चों की साउंड पे वीडियो बनाती हैं ना, छोटे बच्चा कोई बोल रहा उसकी लिप सिंक करती, यार मत बनाएगा यार, तुम बहुत बुरी लगती हो, क्यूट नहीं लगती यार, प्लीज़।